प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम मत्ती अध्याय 16 उसका 13 से लेके 20 तक कुछ बातें जो प्रभु ने कही है अपने चेलों से उसके ऊपर मनन करेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह और भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पत्रस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊँगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियाँ दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। आज इस समय में हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हुए इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। यीशु ने 2020 साल पहले 30 साल अपने पारिवारिक जिंदगी जीवन में रहते हुए, परिवार के साथ में सहयोगी जीवन रहते हुए, काम करते हुए पूरे किए और 31वां वर्ष जैसे ही बैठा उन्होंने सेवकाई शुरू की और एक दो साल सेवा करने के बाद उन्होंने 12 शिष्य तैयार किए। और एक दिन सेवकाई के काल के समय में एक दिन वो अपने शिष्यों को किसी स्थान पर बैठे हुए उन्होंने प्रश्न किया कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? मनुष्य का पुत्र कौन? अर्थात यही जो मनुष्य का पुत्र के अवतार के रूप में आने वाला यीशु का बॉडी, उसके बारे में लोगों की क्या चर्चा है? आज हम देखते हैं, हम मनुष्य के बारे में लोगों से प्रशंसा सुनना चाहते हैं। तो यीशु अपने मनुष्य जीवन के बारे में शिष्यों के अंदर क्या विचारधारा है, लोगों के अंदर क्या है, ये सवाल सिंपल सा अपने शिष्यों से किया और शिष्य कहने लगे कि लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ बोर्ड के ऊपर दर्शा के प्रभु की जो इस अध्याय में प्रकट की गई बातों को सीखने के लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मनुष्य जीवन की व्यस्तता वाला संसार, जहाँ पर मनुष्य जीवन का हलचल रहती है, भूमंडल लोक जहाँ पर हम आज उपस्थित है, एक लोक जो स्वर्ग लोक कहलाता है, जहाँ से ये मनुष्य जीवन चलाया जाता है, जहाँ से हम आए हैं ये, और इस संसार के लिए इस स्वर्ग लोक में तैयार किया गया है दया, शांति, छुटकारा, उन्नति, सुख, सदाकाल की जिंदगी, परमेश्वर को की मनुष्य के साथ उपस्थिति, क्षमा, जीवन। तो हम मनुष्य यहाँ पर आए लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें बंद हो गई है। अभी यहाँ से मनुष्य जीवन को भूमंडल लोक में सहायता बंद हो गई थी क्योंकि मनुष्य जीवन पापी हो गया और इस स्वर्ग लोक से एक दुष्ट आत्माएं जो गिरा दी गई वो भूमंडल लोक में चली गई और ये ही दुष्ट आत्माएं भूमंडल लोक से होते हुए अधोलोक तक पहुंची और वहां पर अशांति, दुख, डर, बीमारी, महामारी, रोग, शाप, बर्बादी, मृत्यु और भय जैसे कामों का उत्पन्न करने वाली दुष्ट आत्माओं का संसार अधोलोक बन गया। वो ही एक फाटक से इसी भूमंडल लोक के जीवन को बर्बाद करने के लिए ये दुष्ट आत्माएं सदाकाल तक कार्य करती है। दुष्ट आत्मा को संसार जहाँ से भूमंडल लोक को बर्बाद किया जाता है, इस मनुष्य जीवन को जो संसार के पृथ्वी के चारों तरफ जो मनुष्य के जीवन है उसको बर्बाद करने का काम किया जाता है इस दुष्ट आत्माओं के द्वारा। लेकिन स्वर्ग लोक से परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेम, शांति, भलाई और तरीके कई प्रकार के अपना करके परमेश्वर ने मनुष्य जीवन को, एक संसार है जो प्यार करता है, एक संसार है जो सदाकाल की ज़िंदगी देता है, ऐसा बताने का प्रयास किया। तो यहाँ पर मसीह यीशु एक समय में मध्य युग में, अर्थात आदम से लेकर के यीशु तक, यीशु से लेकर के अभी हम मनुष्य जाति तक, तो यीशु मसीह मध्य लोक में पैदा हुए, आदम और हम हमारे बीच में उत्पन्न हुए और यीशु एक ऐसे हमारे पूर्वज है जो हम 2020 साल आज हो चुके हैं। तो अगर हमारे जैसे मनुष्य को अगर 100 साल की उम्र दी जाए तो 100 फिर दूसरा 100 ऐसा, एक शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, ऐसे करके 20 हमारे पूर्वज मिलेंगे तब ये 21वां पूर्वज हमारा यीशु बनेगा।
अगर ये हमारे पूर्वज जो 2 या 3 पीढ़ी पहले वाले हैं उनके जीवन के बारे में हमें कुछ नहीं पता, वो कैसे थे, उन्होंने क्या काम किए, आज तक हमें कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये 2020 साल पहले आने वाला यीशु मनुष्य का पुत्र और उसने क्या किया, ये कैसा जीवन जिया, ये कैसे प्रार्थना किया, इसके बारे में लोगों को पता है कि नहीं है, जो मेरे साथ रहते हैं शिष्य उनको पता है कि नहीं है, इस बात का प्रकटीकरण करने के लिए यीशु ने यह सवाल किया। क्योंकि यीशु भूमंडल लोक में आकर के एक मनुष्य जीवन जिससे एक इंसान को जीनी चाहिए थी वैसी बिल्कुल जी कर रहे थे, लेकिन 3 साल की सेवकाई के दौरान ही यीशु ने अपने शिष्य से पूछा कि अगर आप जो मैंने जीवन जिया मेरे बारे में लोगों की क्या राय है। कुछ लोग कहने लगे यिर्मयाह है, कोई क्या है, कोई भविष्यवक्ता है, लेकिन ये शिष्य भी नहीं समझ पा रहे थे कि यीशु क्या है। लेकिन अंत में पत्रस नाम का एक चेला, यीशु का शिष्य, वो आ गया यार बोला कि लोग भले कुछ भी कहते हो, लेकिन मैंने जब से मैं आपके साथ रहा हूँ तब से मेरे अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जब पत्रस ने ऐसा बोला तो प्रभु समझ गए कि मैं जो स्वर्ग लोक छोड़ करके धरती के ऊपर आया हूँ पहला ऐसा व्यक्ति है जो मुझे समझ पाया है। माता पिता नहीं समझ पाए, पड़ोसी गांव और प्रचार सुनने वाले, बीमार से चंगा होने वाले भी नहीं समझ पाए, लेकिन पत्रस समझ गया है। जैसे ही पत्रस के मुँह से ऐसी बात सुनी, यीशु ने उसको बोला कि पत्रस मैंने ये बात नहीं बताई मांस और लहू ने नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में रहता है उसने अब तेरे ऊपर ये बात प्रकट कर दी है, इसलिए अब तू मामूली नहीं रह गया है, अब तू मेरे पास यहाँ आकर के बैठ सकता है, क्योंकि मैं जो मेरा मनुष्य जीवन है ऐसे ही पवित्र जीवन जीने वाले लोगों को मैं तैयार करने आया हूँ। अब देख, तू जो मुझे इस बात को समझ गया है, अब तेरे सामने अधोलोक के फाटक टिक नहीं पाएंगे। इसका कारण क्या है कि ये मसीह के द्वारा उसके पापों को धो दिया गया और उसको पवित्र कर दिया गया, और जब ये अधोलोक में से शैतान अगर मनुष्य के ऊपर बर्बादी लेके आएगा, वो वाली बर्बादी पत्रस के ऊपर प्रभावी नहीं होगी, यहाँ की कुछ भी चीज उसको मिटा नहीं सकेगी, क्योंकि ये जीवता परमेश्वर का पुत्र मसीह है, इस बात को ये समझ गया है। बाकी 11 लोग इस बात को नहीं समझ पाए, इसीलिए उनको ऐसा नहीं कहा गया। ये पहला कलिशिया का मूल पुरुष बन गया, क्योंकि आज भी अगर स्वर्ग लोक की कलिशिया है, वहाँ उस कलिशिया में पहला स्थान अगर हम समझते हैं तो पत्रस ही होना चाहिए। और मसीह के पहले अब्राहम हो सकते हैं, क्योंकि वह विश्वास के द्वारा परमेश्वर के द्वारा सीधे संबंध से बुलाए गए व्यक्ति थे, लेकिन यीशु के बाद पहला ऐसा व्यक्ति जो मसीह को समझा वो है पत्रस, इसीलिए उसको बोला कि तेरे सामने अधोलोक के फाटक टिक नहीं पाएंगे। और एक बड़ी गुप्त बात परमेश्वर के पुत्र मसीह ने प्रकट की कि मैं तुझे स्वर्ग लोक की कुंजियाँ दूंगा। क्यों कुंजियाँ की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि यहाँ स्वर्ग लोक से आने वाली सारी बातें अभी लॉक हो गई है, इंसान के लिए बंद हो गई है, ताला लगा हुआ है। ये मसीह कर सकता है, ये जिसके यहाँ से ज़िंदगी जो देना चाहता है परमेश्वर की मनुष्य के साथ उपस्थिति, छुटकारा, उन्नति, सदाकाल की ज़िंदगी, ये सब मनुष्य के लिए है, लेकिन लॉक हो गई है क्योंकि इंसान भूमंडल लोक में पापी है, दुखी है, परेशान है, परमेश्वर की छाल समझता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के पुत्र मसीह ने ये बात भी प्रकट करी, अधोलोक की बातें तो तेरे आगे फैली है, लेकिन और भी तुझे मैं स्वर्ग लोक से ये सहायता लाने का अधिकार तुझे दे देता हूँ, तुझे छाबियाँ देता हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया, मेरे नाम को तूने जान लिया। वाओ, हमारे लिए कितना अच्छा प्लान परमेश्वर सोचते हैं, लेकिन हम मनुष्य पता नहीं क्या करते हैं। कोई बात नहीं, आज भी हमारे पास समय है, हम इन चाबियों को ले सकते हैं। पत्रस जैसे ही ऐसा सोचा तब परमेश्वर ने इसको एक उत्तराधिकारी बनाया, परमेश्वर से प्रार्थना करने का एक अधिकारी बना दिया। अब पत्रस पहला कलिशिया का मूल पुरुष बना। जैसे पत्रस ने मसीह को पहचाना, वैसे वैसे और ऐसे पहचानते गए, ये मसीह के संग बैठने के अधिकारी हो गए। ये शिष्य अभी भी नहीं समझ पाए, पर यीशु ने लास्ट में 19 वचन बोला कि ये बात किसी को बोलना मत, क्योंकि अभी मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ना और सब पूरा हुआ है,
ऐसा बोलना बाकी रह गया था, क्योंकि जब सब कुछ परमेश्वर का पुत्र मसीह पूरा कर देंगे तब जो विश्वास करने वाले वो पूरी तरह से छाबियों के अधिकारी हो जाएंगे, पूरी तरह से शैतान के कामों को फेल करने वाले हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य के पुत्र को तुम क्या कहते हो? आज हमें पहचानना होगा कि मसीह कौन है। मसीह की बातें, हमारा ऐसा पूर्वज जिसने सारी बातें खुली और प्रकट हैं, कैसे जिया, कैसे सोया, कैसे जन्म लिया, कैसे मरा, कैसे ऊपर गया और आज क्या करता है, उत्पत्ति में क्या किया, प्रकाशित वाक्य में क्या करेंगे, सारी बातें हैं। ऐसा अच्छा पूर्वज हमें मिला है जिसके बारे में हमें सब कुछ तैयार है, सिर्फ लेने की ज़रूरत है, जानकारी लेने की ज़रूरत है। अगर हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ धरोहर छोड़ जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है वैसी ज़िंदगी जीने के लिए। ये ऐसा पूर्वज है जो सब कुछ तैयार करके रखता है, आज भी हमें संभालने की ज़िंदगी देना चाहता है। तो क्यों कर हम इस दुनिया में से, इस भूमंडल लोक में से मसीह को, आप परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं ऐसा करके ग्रहण करके इन सब चीज़ों के वारिस हो जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु बहुत महान है। आमीन।